हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर। दोस्तों, हाल ही में अभी एक खबर आई है जो आरबीआई ने रिलीज की है। आरबीआई ने बोला है कि अभी यहाँ पर जो 34 ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर हैं, उनको फॉरेक्स में डील करने से यहाँ पर वार्निंग दी गई है, यानी कि उन्हें रोका गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आरबीआई से 34 एंटिटीज़ कांट डील इन फॉरेक्स ऑपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई ने क्लियरली यहाँ पर बोला है कि जो ये फॉरेक्स ब्रोकर हैं, वो यहाँ पर इंडिया में ट्रेड नहीं करवा सकते लोगों को। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक हैज़ बीन कॉशंस द पब्लिक नॉट बी अंडरटेक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ऑन अनऑथोराइज ETPs और रेमिट डिपॉजिट मनी फॉर अनऑथोराइज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बैंक जनता को अनाधिकृत ETP पर विदेशी मुद्रा लेन देन न करने या अनाधिकृत विदेशी मुद्रा को लेन देन के लिए धन भेजने जमा न करने के लिए आगाह करता है। ठीक है, यानी कि ये आरबीआई की तरफ से एक वार्निंग है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो उन फॉरेक्स ब्रोकर को एक वार्निंग है कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग ना करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों इससे यहाँ पर हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है और ये कितना सही है और कितना गलत, तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि ऐसे कितने सारे ब्रोकर हैं जो इंडिया में ट्रेडिंग आपको अवेलेबल कराते हैं फॉरेक्स वाली। ठीक है, जिनके माध्यम से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर इतने सारे जो आपके सामने नाम है, ये लगभग 34 फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिनके माध्यम से आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर नाम भी है जिनको आप एड्स में देखते हो, टीवी के ऐड में देखते हो, यूट्यूब के एड्स में देखते हो, जैसे कि ऑक्टाएफएक्स है, ठीक है, ओलम्प ट्रेडिंग है, और इसके अलावा जो बिनोमो वगैरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, बिनोमो भी है, इसका भी आप ऐड देखते होंगे। ठीक है, एक्सनेस एक अच्छा ब्रोकर है, हम भी इसके साथ काम करते हैं, लेकिन इसका ऐड नहीं आता ज़्यादा, ये ज़्यादा ऐड के मामले में पॉपुलर नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी सर्विस बहुत ही बढ़िया लेवल की है। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको यूज किया है, और ऐसे काफ़ी सारे और भी ब्रोकर हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं आपके सामने। तो यहां पर ये मैंने आपको 34 ब्रोकर की लिस्ट दी है जिनको आरबीआई ने क्लियरली वार्निंग दी है कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो अभी आपको क्या समझना चाहिए, एकदम से अपना फंड विड्रॉ कर लेना चाहिए या ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के आरबीआई ने जो भी फैसला लिया है उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपके साथ बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो ब्रोकर हैं फॉरेक्स के, इनमें हमारा पैसा कितना सेफ है और कितना नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने न्यूज आई है, तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने कुछ ब्रोकर्स की लिस्ट लगाता हूँ और उसमें ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वे ब्रोकर सेफ हैं या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रोकर कंपैरिजन के एक चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, जिसमें यहाँ पर मैंने 10 पॉपुलर ब्रोकर्स का नाम यहाँ पर लिया है, जैसे कि एक्सनेस, वेंटेज एफएक्स, इन्फिनोक्स, कबाना कैपिटल, एक्सएम, ऑक्टाएफएक्स, आईक्यू ऑप्शन, ओलम्प ट्रेड, एफएक्सएम, एफबीएस। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करते हो तो कम से कम एटलीस्ट उसके पास टायर वन का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टायर वन का सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, टायर वन में आपका आता है यानी कि वो अथोराइज्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया से अथोराइज्ड होता है, कैनेडा से अथोराइज्ड होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंगापुर से भी अथोराइज्ड होता है और यूके से भी, तो इसको बोला जाता है टायर वन का लाइसेंस। जिन ब्रोकर के पास भी टायर वन का सर्टिफिकेट होता है, तो एटलीस्ट हम उनमें ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हमारा पैसा लेकर भागेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टायर वन का सर्टिफिकेट देखिए किस किस के पास है, एक्सनेस के पास है, इन्फिनोक्स के पास है, कबाना कैपिटल के पास तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर वन में यहाँ पर हमारे तीन कैटेगरी आती हैं, तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टायर टू का भी सर्टिफिकेट एक्सनेस के पास है, उसके बाद आ जाता है इंडियन बैंक डिपॉजिट और विड्रा, ठीक है, वो भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम इंडियन बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट को देखकर अगर आपका अकाउंट इसमें से किसी ब्रोकर के साथ है तो वो भी अपने ब्रोकर का कंपैरिजन कर सकता है। मैं यहाँ पर मोस्टली एक्सनेस में काम करता हूँ, तो इसलिए एक्सनेस के बारे में मैंने आपको बताया है।
अभी देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आरबीआई का ये फैसला आया तो इसमें मैं मतलब आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि इसमें कितनी बातें सही हैं और कितनी नहीं हैं, और आप लोगों का क्या मतलब ओपिनियन है इस बारे में। देखिए चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ओक्टा एफएक्स को लगभग मोस्टली सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ओक्टा एफएक्स का एड टीवी में भी आता है और यूट्यूब में भी आता है, और सबसे बड़ी बात ओक्टा एफएक्स आईपीएल का ऑफिशियली स्पॉन्सर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम एक लॉजिकली बात सोचे कि ओक्टा एफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पर आरबीआई उसको बैन कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओक्टा एफएक्स आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप भी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये पूरी तरीके से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ओक्टा एफएक्स के द्वारा बंद हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से अभी मैं आपके सामने एक दूसरी बात करने वाला हूँ। दूसरी बात दोस्तों इस प्रकार से है, कुछ देखिए जितने भी हमारे फॉरेक्स के ब्रोकर हैं, ठीक है, और ये कोई नई न्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी आया है नोटिफिकेशन, इस तरह के नोटिफिकेशन पहले भी आए हैं, आरबीआई ने पहले भी वार्निंग दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे फॉरेक्स के ब्रोकर हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो ज़्यादा की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ ब्रोकर के साथ काम किया है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं उसमें इंडियन बैंक से ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन है। अब ऑप्शन किसी ना किसी कारण से होगा, वहाँ पर ऑप्शन है तभी तो हमें इंडियन बैंक में ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बात नंबर दो नोटिस करने वाली। अभी देखिए बात नंबर तीसरी की तरफ चलते हैं, और तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जैसे कि आरबीआई का यहाँ वार्निंग देने का और यहाँ पर कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको अगर ट्रेड करना है तो इंडिया में ट्रेड कीजिए। इंडिया में ट्रेड यानी कि आपको एनएससी और बीएससी में ट्रेड करना है, ठीक है, या कमोडिटी में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये हो जाती है कि इंडिया ने पिछले साल यहाँ पर लेवरेज देना बिल्कुल बंद कर दिया है, यानी कि पहले आप लेवरेज लेकर एक मतलब कम अमाउंट से भी काम कर सकते थे, लेकिन अभी आपको यहां पर इंडिया में अगर आपको काम करना है तो एक बड़ी अमाउंट के साथ ही आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो दोस्तों फॉरेक्स में लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, फॉरेक्स में मतलब बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है। अगर मैं ओक्टा एफएक्स की बात करूँ तो 1:500 का लेवरेज मिलता है, और अगर मैं एक्सनेस की बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पर 1:2000 का लेवरेज मिलता है। आप यकीन करेंगे 2000 इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में जस्ट $100 हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप वहाँ पर $200,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेक्स में एक सबसे बड़ी सुविधा ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि वहाँ पर आप छोटी अमाउंट से, अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, तो आप मात्र $100 से भी मतलब बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आरबीआई का कहना ठीक है कि हम इंडिया में ट्रेड करें, लेकिन इंडिया में तो लेवरेज मिलता ही नहीं है, जबकि फॉरेक्स में लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि जो यहाँ पर लोगों को या ट्रेडर्स को फॉरेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जब मैं बात नंबर चार करता हूँ तो दोस्तों फॉरेक्स में हमें स्प्रेड भी लो मिलता है। ठीक है, स्प्रेड आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, स्प्रेड होता है बायर्स और सेलर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बिड एंड आस्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेक्स में जो है ना, जो अच्छे ब्रोकर्स हैं वो स्प्रेड भी आपको लो देते हैं, इवन यहाँ पर आपको जीरो स्प्रेड का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई स्प्रेड मिलेगा ही नहीं, आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं उन सभी को पता है कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है, और ब्रोकर चार्ज बताने को सिर्फ दो या तीन ही होते हैं, लेकिन हिडन ब्रोकर चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर इसके अलावा दूसरी तरह की ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ तो फॉरेक्स में ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो चार्जेज आपको लगाते हैं, लेकिन अगर मैं एक्सनेस की बात करूँ तो एक्सनेस में आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, चाहे आप ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप पोजिशन को होल्ड करें या फिर अपना पैसा विदड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होता। लेकिन यहाँ पर चार तरह के अकाउंट बनते हैं, तो जिसमें से आपको अनदर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप जीरो स्प्रेड का अकाउंट बनाते हैं, रो स्प्रोड का अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर आपको कमीशन देना होता है। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है कि आप कमीशन वाला या ब्रोकरेज वाला अकाउंट चूज करें। ठीक है,
तो दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज एक बड़ा इशू बन जाता है जब आप बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आरबीआई की तरफ से मैं एक चीज़ और सोचूं कि आरबीआई ना इस तरह के ब्रोकर को मार्केट से हटाना चाहता है जो अनऑथराइज्ड ब्रोकर हैं। अब अनऑथराइज्ड ब्रोकर कौन होते हैं? जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं, कबाना कैपिटल इज़ नॉट रेगुलेटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ना तो टायर वन का सर्टिफिकेट है ना ही टायर टू का सर्टिफिकेट है। ये दोनों सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताए हैं कि ट्रस्ट के सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंडियन बैंक में ट्रांजेक्शन करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा रिस्क में आ सकता है, ठीक है। तो बाकी लोग करते इनके साथ भी हैं ट्रेडिंग। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि दोस्तों आरबीआई चाहता है कि फॉरेक्स में लोग ना पैसा ना गंवाएं। अब ये किस तरीके से आप समझे, क्योंकि देखिए फॉरेक्स को ना लोगों ने एक अलग ही तरीके से देखने का नज़रिया अपना लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे पास मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि सर हमें मार्केट में लॉस हो चुका, चाहे तो उन्हें शेयर मार्केट में लॉस हुआ है या पर्सनल अपने बिजनेस में लॉस हुआ है, यानी कि लॉस भी छोटा मोटा नहीं, जिनको 30-35 लाख का इवन 50 लाख से भी ऊपर का लॉस हो चुका है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमने कहीं से सुना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा होता है, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और यहां से हम अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है। मिथ क्यों है? क्योंकि दोस्तों फॉरेक्स से आप बढ़िया पैसा कमा तो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन फॉरेक्स आपसे वक्त मांगता है, आपको टाइम देना होता है, आपको ट्रेडिंग सीखनी होती है। अब यहां पर आरबीआई यही कहना चाहता है कि जो बिगिनर्स हैं वो फॉरेक्स की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि यहां पर कम इन्वेस्टमेंट लगाकर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्त यहां पर लोग आते हैं और सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे या कम समय में हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो कैलकुलेटिव बात है, देखिए जब आप फॉरेक्स में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी कि आप अपना पैसा देश से बाहर भेज रहे हो। अब आपको ट्रेडिंग आता नहीं है, ठीक है, आपने पैसा लगाया और आपका पैसा चला गया विदेश में और आपने कर लिया लॉस, ठीक है, तो यानी कि वो पैसा तो वापस आने नहीं वाला। तो इसी तरीके से हम बात यहाँ पर छोटे अमाउंट की कर रहे हैं, इसी प्रकार से मतलब इतने सारे लोग करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में फॉरेक्स में पैसा डाला जाता है। इसी वजह से आरबीआई ने इसको हाईलाइट किया है। आरबीआई चाहता है कि बिगिनर लोग फॉरेक्स में ना जाएं और वहाँ पर लॉस ना करें, नहीं तो हमारे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की हैं। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ये बताने की कोशिश करें कि आरबीआई के डिसीजन कितना सही है और कितना नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका किसी ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अकाउंट है जिसके पास टायर वन या टायर टू के सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा बिल्कुल पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई को, आरबीआई जो डिसीजन लेगा हम उसे रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने ओपिनियन देने की कोशिश की है। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि कमेंट में आप अपना ओपिनियन दें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की और दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।